अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों तो आज लगभग 28 दिन है और बाट ने बहुत अच्छा रिकवरी दिया है, जो मैंने ट्रीटमेंट किया था, मैनेजमेंट किया था उसके बावजूद। तो सुबह अभी लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 से 11 बज रहे होंगे, तो मैंने जो पानी का जगह को साफ़ करना होता है, पानी में मेडिसिन देना होता है, फीडर में जो मेडिसिन देना होता है, वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग सिर्फ लीटर के ऊपर काम करना ही बाकी है, वो मैंने जो टिफ़िन है उसको करके मैं आके लीटर के ऊपर काम करना शुरू करूँगा दोस्तों। तो सोचा अभी 5 मिनट का एक गैप है, वीडियो बना लूँ कि आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, उसका एक अपडेट दे दूँ दोस्तों। तो मैं हर एक कदम का आपको अपडेट देता हूँ। अगर आप पोल्ट्री फार्मर है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड रहे तो इस टाइम पे इस सिचुएशंस में क्या करना आपका ज़रूरी है, इस बारे में दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आपके पास जानकारी हो, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बनाता हूँ दोस्तों। तो मैंने 5 दिन में जब बाढ़ में बहुत बड़ी लेवल पर डिस्टर्बेंस की एक प्रोबेबिलिटी देखी थी, तब मैंने एक अच्छा सा डिसीज़न लिया था कि कंपनी से डायरेक्टली, जो कंपनी का एक्सपर्ट है जो पोल्ट्री फार्मिंग में लेके बिजनेस करते हैं, तो उससे बातचीत किया। इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुपरवाइजर बोलते हैं या फिर आप अगर जो कंपनी का मैनेजर की बात बोलते हो तो वो बहुत ज़्यादा फार्म संभालते हैं। तो इसके वजह से इस टाइम पे अगर और कोई भी हम में इस डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में दोस्तों वो ज़्यादा बात कर सकते हैं, ज़्यादा जानते होंगे। तो उसको जानने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद मैंने कुछ अच्छे से डिसीजन लिया। बाढ़ में मैंने देखा कि 3-4 रकम की डिस्टर्बेंस बाढ़ में मुझे दिखाई दी, जैसे कि लांसी कोलाई की बात करें, कॉक्सी की बात करें, तो इसका रीजन्स कभी ना कभी वेदर की वजह से भी हो सकते हैं, लीटर की जो गंदगी है अमोनिया गैस की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी झाँप बनने की, जो पेपर बनने की बात आती है शाम के टाइम। तो ये सारे चीज़ के बावजूद जब डिस्टर्बेंस मैंने बाढ़ ने नोटिस की, उसके बाद उससे बातचीत करने के बाद मैंने रॉयल लेवल के एक मेंटेनेंस चालू किया कि मैं पहले जेंटामाइसिस करूँगा। तो 25 दिन के अंदर मैंने जेंटामाइसिस दोबारा कंप्लीट किया अच्छे बड़ी डोज में। उसके बाद उसके साथ कॉक्सिकीडा जो डिजीज़ है उसके वजह से दूध का एक आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने चालू किया, उसको कंप्लीट की। उसके बाद खावर सोडा का एक आयुर्वेदिक कॉम्पोस्ट मैंने चालू किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि बाढ़ ने थोड़ा रिकवरी कर देगी कि लोग, 1-2 दिन के टाइम शायद लगेंगे। तो उसके बाद आज सुबह से मैंने जो साउंड का प्रॉब्लम है उसके वजह से मैंने एंटीबायोटिक के साथ जो क्लीन टैब है उसको मैंने चालू किया। क्लीन टैब मतलब क्लोरीन टैबलेट नहीं, एक अलग से पाउडर मिलते हैं जिसको भेट टैब बोला जाता है, उस पाउडर को पंच करके देने से बाढ़ में साउंड का प्रॉब्लम या फिर जो अंदर की तरफ जो कॉक्सिका या फिर जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो नाड़ी होते हैं उसमें घाव हो जाता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उसको शायद कल मेरा डोज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो साउंड का प्रॉब्लम थोड़े है, लेकिन उतना बड़े लेवल पर नहीं है जितना पहले मुझे लग रहा था। उसके साथ आप आज अगर एक डोज कंप्लीट हो जाएगा तो रात के पानी में मैं सुपर कॉक्सी एम्पोलियम भी थोड़े ऐड कर दूँगा। तो एक टाइप पे अगर 4-5 प्रॉब्लम एक साथ हो जाता है तो इस टाइम पे अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो एक साथ सब मैनेजमेंट नहीं करना है, एक एक करके कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कॉक्सी का किया, उसके बाद दो टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है बाढ़ का उसका किया, उसके बाद कॉक्सी का कर रहा हूँ, तो इकोलाई के बाद टेस्टोस्टेरोन के प्रॉब्लम के बाद कॉक्सिका के बाद उसके बाद साउंड का प्रॉब्लम। तो 4-5 प्रॉब्लम जब अगर बाढ़ को इन्फेक्ट करे आपके अच्छे मैनेजमेंट के बावजूद, तब आप एक एक करके ट्रीटमेंट कीजिए। तो कल साउंड का प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बाद कॉक्सी का प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी मैं एक बार प्राइम लेवल पे कंप्लीट कर दूंगा। और मेरे बाद उतने भी ख़राब सिचुएशन में नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं जेहेतु इफेक्टिव मैनेजमेंट करता हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस फार्मर हूँ, तो इसके वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं खुद ही रिजल्ट आपको ख़राब ले आऊँगा, और इस वेदर में जब गोल्डन वेदर बोला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो आप लोगों के साथ मैं क्या ही एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो इसके लिए मुझे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करना ज़रूरी है दोस्तों। तो कल शायद बाढ़ ने और भी थोड़े रिकवरी दे देंगे, तो डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं। तो आज सुबह से मैंने एंटीबायोटिक के साथ जो भेट टैब है उसको दिया है, उसके साथ अभी पानी में दिया हूँ, और उसके साथ मैंने फीडर में
लिवर टॉनिक दिया है, लिवर टॉनिक अभी फीड चेंज हो रहा है तो लिवर टॉनिक के साथ पांच करके लिवर टॉनिक और दो मेडिसिन अभी चल रहा है। तो इस पानी को ख़त्म करने के बाद एक टाइम मैं इम्यूनिटी बूस्टर में भी पांच कर दूंगा, तो इसमें बहुत दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। तो एकदम से तीन दिन के अंदर लगभग 10 से ज़्यादा मेडिसिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें बाद में रिकवरी आ जाए। तो अभी अगर रिकवरी आ जाता है तो 2-5 दिनों के अंदर बाद में बॉडी वेट गेन भी शुरू कर देगी लगभग एक दिन में 100 ग्राम के हिसाब से। तो जो एफसीआर लगभग 50 के आसपास हो गया है या फिर 50 के ऊपर शायद आज हो जाएगा तो रिकवरी कर जाएगा, एफसीआर तो नहीं कमेगा लेकिन बॉडी वेट गेन कर देगा दोस्तों। तो यही था 28 दिन का एक शेड्यूल, 28 दिन का एक मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है जो आप कमेंट में कर सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ तो आप मेरा नंबर ले लो, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कांटेक्ट करने के बाद आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा स्टेट से, कौन सा, जैसे कि आप महाराष्ट्र से अगर कॉल करते हो या फिर तमिलनाडु से कॉल करते हो तो आपका स्टेट पहले बताइए, उसके बाद दोस्तों आप सवाल कीजिए। क्योंकि आपका परिचय अगर नाम स्टेट नहीं देंगे तो शायद मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो बहुत बाहर से कॉल आते हैं, मैं पहचान नहीं पाऊँगा कि कौन यूट्यूब से कॉल कर रहे हैं, कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप मैनेजमेंट कीजिए और शायद आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी। रिज़ल्ट आए ना आए लेकिन आपको सिचुएशंस के बाढ़ के कंडीशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, सीखने पे फोकस कीजिए तो आने वाले टाइम में आप इसी चीज़ पे आप आपको प्रॉफिट देंगे। तो यही था दोस्तों छोटा एक मैनेजमेंट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।